आपने वो सुना है, वो कहावत सुनी है, बड़े मियां तो बड़े मियां, बड़े मियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और छोटे मियां अरविंद केजरीवाल जी, दोनों एक ही खेल खेल रहे हैं। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये खेल क्या है। दोनों की शुरुआत आरएसएस से हुई है। कैसे? नरेंद्र मोदी जी तो आरएसएस से ही उभरे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो आंदोलन किया था आम आदमी पार्टी को शुरू करने से पहले, उसका पूरा समर्थन आरएसएस ने दिया। तो शुरुआत एक ही जगह से हुई। किसान आंदोलन हुआ, किसान के कानून कौन लाया? कौन लाया बोलिए, बोलिए कौन लाया? बड़े मियां जी लाए। किसान के कानून वो लाए जो काले कानून थे, जिसकी वजह से आप सब ने आंदोलन किया एक साल के लिए। 700 किसान शहीद हुए और उन किसान आंदोलन को सबसे पहले नोटिफाई करने वाली सरकार कौन सी थी? छोटे मियां की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। समझ लीजिए, जैसे ये कह रहे हैं सेम सेम। मोदी जी ने आपसे कहा 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। कितने साल हो गए जी, किसी के खाते में कुछ नहीं आया। आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 7 लाख आपको देंगे, आपका 7 लाख का वायदा कराएंगे। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं आने वाला है। दोनों चुनाव के समय आपके जज्बातों का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव के बाद कोई विकास नहीं होता। दिल्ली में एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया है, एक भी नई शिक्षा की संस्थान नहीं बनाई है। दिल्ली के छोटे दुकानदारों से पूछिए, आप जैसे बिजनेस वालों से पूछिए, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, आपने ये देश बनाया है। रोजगार आप बनाते हैं। छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे लुधियाना में है, छोटे दुकानदार, मीडियम साइज के बिजनेस, आपने इस देश को खड़ा किया है। एक की बड़े मियां की पॉलिसीज देखो। सबसे पहले नोटबंदी आए, एक दिन आपको बोला देश का सारा काला धन वापस आएगा, क्या आया? मंदी आई। क्या आया? आपके बिजनेस खराब हुए। उसके बाद आप पे जीएसटी थोपा, क्या हुआ? आपको और परेशानी हुई। जीएसटी के बाद कोरोना आया, लॉकडाउन आया। केंद्र सरकार ने एक भी ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे आपका जो नुकसान हुआ है आपको कुछ फायदा हो, कि आप आगे बढ़े, कि आप फिर से अपने पैरों पे खड़े हो। आपने बिजली बिलें भी भरी, आपने सब कुछ किया कोरोना के समय, फीस भी भरी। आपकी मदद के लिए ना भाजपा आई, और मैं बता सकती हूँ कि दिल्ली में ना केजरीवाल जी की सरकार आई। दोनों एक जैसे हैं। एक ने कहा कि सारे किसान आतंकवादी हैं। संसद में कैसे कैसे अब शब्द इस्तेमाल किए किसानों के लिए, और दूसरे आतंकवादी के घर में जाकर रात बिताई उन्होंने पिछले चुनाव में। आज उन्हीं के साथी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने खुद उनसे कहा कि घबराते क्यों हो, अगर पंजाब के सीएम नहीं बनेंगे तो एक नए देश की, एक नए देश के पीएम तो मैं जरूर बनूंगा। समझ रहे कितनी कितनी गिरी हुई बात की उन्होंने। अगर ये सच है तो आपके साथ विश्वासघात है, इस देश के साथ विश्वासघात है। जवाब दे अरविंद केजरीवाल जी, क्या उन्होंने ये बातें कही या नहीं कही? जवाब दे जनता को पंजाब की, कि जब किसान का आंदोलन हो रहा था तब मोदी जी कहाँ थे, अपने घर से क्यों नहीं निकले? सुरक्षा की बातें करते हैं ना, दोनों सुरक्षा की बातें करते हैं, दोनों कहते हैं कि आपकी सुरक्षा करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कैसे? आपके बिजनेस खराब करेंगे, आपको जीने नहीं देंगे, आपको एक दूसरे से लड़ाएंगे, किसानों के लिए कुछ नहीं करेंगे, 700 किसानों को शहीद होने देंगे, उनसे पूछेंगे भी नहीं। महिलाओं की सुरक्षा क्या है उनके राज में, पता करिए।
कैसे सुरक्षा देंगे? दूसरे छोटे मियां कहते हैं आपकी सुरक्षा करेंगे। अरे जब दिल्ली में पुलिस ही उनके अंडर नहीं है, जब दिल्ली में वो एक पूरी सरकार ही नहीं चला रहे हैं, तो पंजाब जैसे प्रदेश को सुरक्षित कैसे रखेंगे? दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार चलाती है, दिल्ली में इनकी एक भी फाइल बगैर केंद्र सरकार की स्वीकृति के नहीं पास हो सकती। ये पूरी सरकार चलाना ही नहीं जानते। एक स्थिर सरकार चाहिए आपको, एक मजबूत सरकार चाहिए, एक सरकार जो आपको सुरक्षित रखती है। तो कांग्रेस ही आपको ये सरकार दे सकती है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं जानती हूँ कि हमारी पिछली सरकार में खामियां थी, उन खामियों को दूर करने की हमने प्रयास किया है, बहुत प्रयास किया है, और चन्नी जी को हम आगे लाए हैं। जितना चन्नी जी ने 111 दिन में किया, मैं दावा कर सकती हूँ अरविंद केजरीवाल के 5 सालों में नहीं हुआ है दिल्ली में। आपके बिजली बिल घटे हैं, किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, तमाम ऐसी योजनाएं लाए हैं जिससे आपका फायदा होता है, और सबसे बड़ी चीज या ड्रग माफिया का सामना हिम्मत से किया है। वो हिम्मत आम आदमी पार्टी में नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। आम आदमी पार्टी भाजपा की केंद्र सरकार के सामने झुकती है, और नरेंद्र मोदी जी अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के सामने रोज झुकते हैं। इस पूरे देश को उन बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचना चाहते हैं। देश की सब संपत्ति उनको दे दी है, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे बिजनेसों के लिए एक भी पॉलिसी नहीं, बजट में एक भी पैसा नहीं। बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ, उनके पास पॉलिसी की पॉलिसी है उनके लिए। समझ लीजिए, इस देश के गरीब के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश के नौजवान के लिए कौन काम कर रहा है, कौन लड़ रहा है? इस देश के संविधान के लिए, उसको बचाने के लिए, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए कौन लड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इसीलिए सोच समझ के अपना वोट दीजिए, गलती मत कीजिए। गलती करेंगे तो 5 साल आप ही भुगतेंगे। चुनाव में जो घोषणाएं करते हैं, जो बड़ी बड़ी पंजाबियत की बातें करते हैं, जो नकली पगड़ी उठाकर अपने सर पे लगाते हैं, जब समस्याएं आती हैं तो दौड़े भागते हैं आपके यहाँ से। जब किसान इनके दरवाजे पे खड़ा था, केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, बैरिकेड क्यों नहीं उठाए? किसानों को अंदर क्यों नहीं आने दिया? किसानों की आवाज प्रधानमंत्री के निवास तक क्यों नहीं पहुंची? और प्रधानमंत्री जी अपने निवास के अंदर छुप क्यों रहे थे? क्यों 5 सालों के लिए तो दुनिया भर में घूमाए? 5 सालों में अमेरिका गए, कनाडा गए, पाकिस्तान गए, जहां आप नाम लीजिए पहुंच गए। और कैसे पहुंचे? उनके पास 2 हवाई जहाज हैं जो अभी अभी खरीदे। आपको मालूम है कितने के खरीदे हैं? 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। इस पूरे देश के गन्ने के किसानों का बकाया पता है कितना है? 14,000 करोड़। पूरे देश के गन्ने के किसान का बकाया नहीं दिया। अपने 2 हवाई जहाज खरीद के दुनिया में भ्रमण किया, लेकिन अपने दरवाजे तक जो आए किसान थे, जो 1 साल के लिए बैठे थे, जो किसान, सैकड़ों किसान शहीद हुए, उनके पास नहीं आए। जिस मंत्री के बेटे ने उन किसानों को कुचला, 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे, पहियों के नीचे कुचला, उस मंत्री को आप अपने साथ रख के कहते हो कि आप इस देश को सुरक्षित रखोगे? उस मंत्री के बेटे को जमानत दिलवा के उसको रिहा करके कहते हो कि आप पंजाब को सुरक्षित रखोगे? पंजाब के हित को नहीं जानते, पंजाब की हिम्मत को नहीं जानते, पंजाब की आस्था को नहीं जानते, पंजाब के किसान को नहीं जानते। इस देश को पंजाब के किसान ने बनाया है, इस देश को पंजाब की मेहनत ने बनाया है, मेरे सिख भाइयों ने बनाया है, मेरे हिंदू भाइयों ने बनाया है, मेरे सिख बहनों ने बनाया, मेरी हिंदू बहनों ने बनाया, और एक साथ होकर, एकजुट होकर बनाया। तो किसी को तोड़ने मत दो, आपको कोई नहीं तोड़ सकता। ये ऐलान कर दो यहाँ इस चुनाव से, कहो कि ये पंजाब आपका है, इसमें राज आपका है, इसमें सरकार आपकी आएगी, इसमें मेहनत आपकी होगी और कमाई आपकी होगी।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप रवनीत बिट्टू जी खड़े हैं यहाँ पे, इनकी मेहनत से शिवाजी